अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, आलू टिक्की चाट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इन माय स्टाइल। आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम टिक्की तैयार कर लेंगे। टिक्की तैयार करने के लिए हमने 1/2 kg बॉयल्ड पोटैटो लिया है, जिसको ग्रेट कर लिया है। एक हमने प्याज लिया है, इसे फाइन चॉप्ड कर लिया है। हरी मिर्च 2 टेबल स्पून फाइन चॉप्ड है। हरा धनिया, कुछ मसाले में हम लिए नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, धनिया और सौंफ कुटी हुई है जिसको हमने भून लिया था। तो आइए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो में हम प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड टू टेस्ट ऐड, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, कुटी हुई धनिया सौंफ 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी हम आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसे झटपट बना सकते हैं। खाने में ये उतना ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पोटैटो और मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। ऑयल ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए, आइए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने हाथ में ऑयल ग्रीस कर लेंगे, टिक्की इजीली बनेंगे। इसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेके हम टिक्की बनाएंगे। ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको पसंद आएगा। सारी आलू टिक्की हमने रेडी कर लिए बना के, आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। हम इसे सैलो फ्राई करना, हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया, ऑयल गर्म हो गया, उसमें टिक्की को हम ट्रांसफ़र करेंगे। टिक्की को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा टिक्की लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। आलू की टिक्की को हम पलट लेंगे, नीचे से ये लाइट गोल्डन हो गया है, दूसरी साइड से हम इसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से टिक्की लाइट गोल्डन फ्राई हो गया है, प्याज का कलर आ गया, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आलू टिक्की चाट का हमने टिक्की तैयार कर लिया है। इसके लिए हमें सैलेड चाहिए, जिसके लिए हमने प्याज लिया है जिसको स्लाइस में कट कर लिया है, हरी मिर्च और हमने हरा धनिया लिया है जिसको हमने कट कर लिया है, इसे हम प्याज में ऐड करेंगे। हरी मिर्च हम 1 टेबल स्पून लिए थे, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दही में हम चीनी और शक्कर ऐड कर लिए थे, मिक्स कर लिए हैं। आइए टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लेट में टिक्की रखेंगे, आलू की टिक्की पे हम सलाद ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्च का। प्याज के बाद हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे। इमली की चटनी के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। आलू टिक्की चाट रेडी है, सिंपल एंड इजी वे में हमने आपके साथ शेयर किया, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।